हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में टॉपिक पढ़ लिया है कि एक बजट लैपटॉप चाहिए। जनरली अगर किसी को बिल्कुल बजट कॉन्स्टेंट हो और अच्छा लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए हम आज दो लैपटॉप लेके आए हैं। डेल लैटिट्यूड 3440, ये लैटिट्यूड सीरीज जो होती है कमर्शियल सीरीज होती है, लेकिन ये एकदम बजट है। ये नियर अबाउट आपके 30K के अराउंड मिल जाती है। और इसे ही हमने क्यों चूज करा है, इतने सारे लैपटॉप है, तो उसके सारे रीजन हम इस वीडियो में समझेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग आज देखेंगे। दूसरे वीडियो में एक और इसका सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ऑटो कैड और दो चार हैवी सॉफ्टवेयर डाल के क्या ये सपोर्ट कर पाता है कि नहीं। ये एक i3 12th जनरेशन लैपटॉप है, 8GB की रैम के साथ आता है। विंडो तो नहीं आती इसमें, आप अलग से विंडो बाय कर सकते हैं, या विंडो कैसे इंस्टॉल करना है वो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपका पहला सवाल होगा कि यही लैपटॉप क्यों, इससे कम के भी 30K से भी कम में स्टार्ट हो जाते हैं। आप ऑनलाइन अगर आके देखें, आइए स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें ऑनलाइन, तो ये 15,000 के भी लैपटॉप दिखाई दे रहे हैं एसर के, और 17,000 के हैं। कुछ अल्टीमस वगैरह ब्रांड होते हैं, आईबोल होते हैं, जो आराम से आपको 20,000 से नीचे मिल जाते हैं। बट उनको कभी भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इनके प्रोसेसर बहुत कम ड्यूल कोर वगैरह का होता है। और अगर मैं उसका मदरबोर्ड वगैरह दिखाऊं आपको, उसका मदरबोर्ड ये होता है। उन सब जितने भी सिस्टम होते हैं जो आपके 25K से अगर कम वाले सिस्टम होते हैं, उसके अंदर ये मदरबोर्ड होता है। इसमें सबसे पहले तो रिपेयरबिलिटी का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह यूज ही नहीं होती है। क्योंकि हम लैपटॉप रिपेयर करते रहते हैं, हम आए दिन देखते हैं कि अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट आया तो इसमें सीधा प्रोसेसर ही डेड हो जाता है। अब आप खुद साइज अकॉर्डिंग इसकी पावर का पता कर सकते हैं। इसमें जनरली जो सीपीयू वगैरह यूज होता है वो मोबाइल फोन में यूज होता है, वही इसमें भी यूज होता है। तो इसलिए ये मदरबोर्ड ना लेके जो प्रॉपर डेस्कटॉप वाले मदरबोर्ड होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये वाले मदरबोर्ड यूज करें या ये लैपटॉप यूज करें। आपका कितना भी कम से कम बजट हो, बाद में आप आसान होगी 25 के नीचे के लेके, वो आपको 2-3 साल में लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि एक ही अच्छा लैपटॉप ले, भले आप HP ले, डेल ले, बट एटलीस्ट 25K के ऊपर कर ले, जिसमें सेलरॉन और पेंटियम प्रोसेसर ना हो, एटलीस्ट i3 प्रोसेसर हो उसमें। i3 में अगर हम जा रहे हैं तो i3 में भी हम कम से कम 12 जनरेशन प्रेफर करेंगे। जो 12 जनरेशन होता है उसमें ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट रहता है 11 जनरेशन वाइज, उसमें थोड़ा लो वोल्टेज भी होता है और अच्छा परफॉर्म करता है। तो और 12 13 में ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप या तो i3 में 12th जा सकते हैं या i3 में 13th जनरेशन जा सकते हैं। तो अभी जो हमने सेलेक्ट करा है वो डेल का करा है। इसमें सबसे पहले तो 1 ईयर का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन आ जाता है। इससे में क्या है कि आपका कोई गलती से इसमें पानी वानी गिर गया, कुछ गिर के स्क्रीन फूट गई, तो इसकी आपको कवर मिल जाती है। तो ये एक पार्ट अच्छा लगा, इसलिए हमने इसको ज्यादा चूज करा है। आइए तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स दिया है। बॉक्स की पैकिंग देखेंगे तो ठीक ठाक है बॉक्स की पैकिंग, और इसमें जो ब्रांडिंग है वो दिखा देता हूँ। i3 12-15U का मतलब 12 जनरेशन का आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, 8GB मेमोरी है और 512GB NVMe SSD है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। अगर आप विंडो वगैरह में जाएंगे तो वो आपके 40K के अराउंड का हो जाएगा, तो वो बजट से बाहर जाता है। इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि डॉस ही हम ले लें, और बाहर से विंडो करा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। तो चलिए इसको आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। ओपन हो गया है, इसके अंदर अपना डेल का एडाप्टर है, ये अपना 65W स्लिम पिन एडाप्टर है, उसके साथ एक पावर कोड आ रही है, पावर कोड है, और ये अपना डेल का प्रीमियम सा लैपटॉप, बहुत ही प्रीमियम दिख रहा है। बजट के हिसाब से मेटल क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। और इसको ओपन करके देख लेते हैं,
बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के। बाहर से बिल्ड क्वालिटी को ये नहीं कह सकता कि इतना बजट वाला लैपटॉप है। आपको स्लॉट में देखा जाए तो HDMI है और एक USB है, एक सी टाइप है, इधर ऑक्स है, चार्जिंग है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो दो आपको USB है, एक LAN कनेक्टर मिल जाएगा। तो कुल मिला के कनेक्टर में तो इन्होंने कोई कमी नहीं करी है। ठीक है, तो आइए अब इसको विंडो स्टार्ट करते हैं। तो हम F12 दबा के इसके बूट मेन्यू में आ गए हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये Ubuntu बेस्ड था यहाँ पे सिस्टम, और इसमें DOS और Ubuntu दोनों का ऑप्शन होता है। तो ये जो लैपटॉप है Ubuntu का लैपटॉप है। ठीक है, अब इसमें विंडो करने जा रहे हैं, विंडोज स्टार्ट कर देते हैं। और आपको अगर सीखना है कि विंडो कैसे करना है तो हमारे चैनल पर वीडियो है, तो ये पार्ट मैं स्किप कर दूंगा और वीडियो करके एक बार ऑन करके आपको दिखा दूंगा। और टेस्टिंग इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो ला दूंगा। ठीक है, कि कैसा रहा, बाकी इसका आप फिजिकल लुक वगैरह सब चीज़ चेक कर सकते हैं अच्छे से। इसमें विंडो डल चुकी है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लोड आ रहा है। तो लोड चेक करने के लिए हमें टास्क मैनेजर में जाना होता है। टास्क मैनेजर जाने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप। अभी हमने दबाया तो ये टास्क मैनेजर हमारा खुल चुका है। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ये बड़ी स्क्रीन में आ गया। अब इसके हम देखेंगे ऊपर में तो CPU का लोड अभी 4-7% का वेरिएबल है, मेमोरी 38% जा रही है, और जो NVMe हमारी डिस्क है वो 0% है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। अब हम परफॉर्मेंस टैब में भी जाके इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं कि हमारा CPU क्या है। CPU i3 हमारा 12 जनरेशन है, मेमोरी जो है हमारी 8GB है, और SSD के बारे में भी डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये अपनी NVMe है, SN है, WD की 512 लगी हुई है, 5000 सीरीज है, और ये सब चीज़ें हैं। अगर मेमोरी में भी बात करें DDR4 में कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें भी 3200 फ्रीक्वेंसी मिलती है आपको, यहाँ अच्छे से देख सकते हैं 3200 फ्रीक्वेंसी है, ये नहीं कि 2666 मिल रहा है। तो ये और अच्छी बात है कि जो बेस्ट इन क्लास मिल सकता है आपको बजट में वो ये है। और एक स्पेशल फीचर की और बात करूँ तो यहाँ पे आपको वेबकैम प्राइवेसी प्रोटेक्टर मिलता है, जो कि अच्छे अच्छे बड़े प्राइस वाले जो लैपटॉप होता है उनमें मिलता है, यहाँ बजट वाले में भी ये आपके पास है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक इस वीडियो में अभी यहीं तक रहेगा कि विंडो हमने इंस्टॉल कर दी है, बेसिक सॉफ्टवेयर वगैरह डाल दिए हैं, टेस्टिंग, और इसके लिए मैं एक और पार्ट लाऊंगा तो उसमें इसको हम टेस्ट करके देख लेंगे। और आपको अगर ये बाई करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप अमेजोन से बाई कर सकते हैं, या ऑफलाइन खरीदना हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन से भी अच्छा प्राइस में आपको दे देंगे विथ सपोर्ट। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।